केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई रिपोर्ट में दावा, अब गंगा के पानी में नहा भी नहीं सकते। पीने के पानी की बात तो दूर, सिंचाई लायक भी नहीं बची जीवनदायिनी गंगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हालिया आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी का पानी पीने और नहाने के लायक नहीं बचा है। हालात ये हैं कि समूचे उत्तर भारत को सींचती रही गंगा नदी की हालत ऐसी हो गई है कि सिर्फ सात जगहों पर ही गंगा का पानी पिया जा सकता है, वो भी फिल्टर करने के बाद। दिल्ली केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नदी के पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए देश भर में गंगा नदी घाटी में लाइव निरीक्षण केंद्रों की ओर से डाटा एकत्रित किए गए। सीपीसीबी के अनुसार उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक लगभग सभी शहरों में गंगा जल पीने योग्य है। हालांकि मानक पूरे होने के बावजूद यहां पानी को छानकर और स्वच्छ करके पीना चाहिए। बता दें, एनजीटी ने सीपीसीबी को निर्देश दिया था कि वह हर 100 किलोमीटर की दूरी पर बोर्ड लगाकर यह बताएं कि गंगा का पानी पीने और नहाने के योग्य है या नहीं। इसी के बाद सीपीसीबी ने यह सूचना अपनी वेबसाइट पर डाली है। सीपीसीबी के मापदंडों के आधार पर जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा 1 लीटर जल में 6 मिलीग्राम से अधिक और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रति लीटर जल में 2 मिलीग्राम होनी चाहिए। इसी तरह कॉलीफॉर्म की संख्या प्रति 100 ml में 5000 से कम और पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां 2013 में गंगा नदी का अधिकतम बीओडी लेवल 5.1 पर था, वहीं साल 2017 में ये बढ़कर 6.1 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच गया है। इसी तरह साल 2013 में इलाहाबाद का बीओडी लेवल 4.4 था और अब ये बढ़कर 5.7 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच गया है। साल 2013 में हरिद्वार का बीओडी लेवल 7.8 था और साल 2017 में ये 6.6 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और बुलंदशहर के अलावा पश्चिम बंगाल के त्रिवेणी, डायमंड हार्बर और अन्य जगहों पर बीओडी लेवल बढ़ गया है। ऐसा देश जहां सैकड़ों लोग भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली गंगा में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। सीपीसीबी ने कहा कि नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि पीने तो क्या, नहाने के लिए भी सही नहीं है। बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड साल 1980 से भारत की नदियों के पानी पर नजर रख रहा है।